एफआरआई के गोलागढ़ जो द्वार था उससे हम बाहर आए और ऑटो में हुए सवार और आ गए हैं यहाँ पर टपकेश्वर मंदिर से। पहले हमें उतरना पड़ा है, थोड़ा सा हमें चलना होगा और पहुंच जाएंगे हम टपकेश्वर मंदिर। देखिए रास्ते में जो घर है, यहाँ पर फलों के पेड़ लगे हुए हैं, कैरियां देख सकते हैं आप। और क्या ये मौसमी से तो बड़े साइज के हैं, ये तो कुछ और है, चकोतरा कहते हैं वो है या कुछ और है। ये जो बेल होता है वो नहीं है क्योंकि उसकी पत्तियों से पता चलता है। आगे वहां चीकू का पेड़ लगा हुआ है और इस तरफ आप देख सकते हैं लीची का पेड़। और ये जो कॉलोनी है इसका नाम ही है टपकेश्वर कॉलोनी, आप देख सकते हैं बहुत ही शांत इलाका है। आम के पेड़ पर ये बेल लगी हुई है, उस पे लगी हुई है ये ककड़ी जैसे, लेकिन कुछ और है। मेरे अंदर का जो बच्चा है आज भी जिंदा है, तो मैंने आम का पेड़ दिखा और ये कैरी दिख गई तो मैंने तोड़ ली है, चुरा ली है। लेकिन ये चोरी जो है कोई बड़ा क्राइम नहीं है। ये देखिए, तो लीजिए सामने दिखाई दे रहा है टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर। फाइनली आ पहुंचे हैं हम थोड़ा सा चलकर, और मंदिर से पहले दिखाई दिया है एक ये रेस्टोरेंट, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में ये। यहाँ पे है दुर्गा माता का प्राचीन मंदिर द्वार के जस्ट राइट हैंड साइड में ही। सबसे पहले माता रानी के ही दर्शन करते हैं। जय माता की। यहाँ पे सामने माता का शेर। तो अब करते हैं टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन, लेते हैं उनका आशीर्वाद। सीढ़ियां उतर के नीचे जाना होगा। यहाँ पे अपने जूते चप्पल जमा करा सकते हैं आप। तो ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर का द्रोण द्वार, अति प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर। करते हैं बाबा के दर्शन, आइए। ये देखिए वहां संतोषी माता का मंदिर है, और इस तरफ बजरंग बली की ये विशाल प्रतिमा, वहां पे माता वैष्णो देवी की जो गुफा है, योग मंदिर जो है वो है टपकेश्वर गढ़ी कैंट का। यहां से जल धारा बहती हुई आ रही है, ये देखिए वहां भी जाएंगे हम। ये है अश्वत्थामा द्वार, देखिए और ये है टपकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। ये है गुफा, प्राचीन गुफा टपकेश्वर महादेव की। यहाँ जो आप देख रहे हैं पानी की बूंद धीरे धीरे टपकती है, यहाँ नीचे जो भोले बाबा का जो शिवलिंग है इसके ऊपर बहुत प्राचीन काल से, और कहा जाता है इसी गुफा के अंदर आचार्य द्रोण जो थे वो निवास करते थे अपनी पत्नी के साथ में। और अश्वत्थामा जी के जन्म के बाद में उनकी माता जी उन्हें जब दूध नहीं पिला पाई थी, तो द्रोणाचार्य जी ने भगवान शिव से विनती की थी और तब भगवान शिव ने यहाँ से दूध टपकाया था इस तरीके से, और इस वजह से ये पहले कहलाते थे दूधेश्वर महादेव। लेकिन कलयुग के अंदर दूध की जगह बन गया पानी, और पानी टपकने की वजह से ये कहलाए टपकेश्वर महादेव। ये देखिए जय गुरु टपकेश्वर महादेव जी का।
का पवित्र जल है मिल गया है मुझे, अब आगे चल के दर्शन करते हैं। यहाँ पे माता सरस्वती हैं और यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ी मकड़ी काफी बड़ी है, ये भगवान दत्तात्रेय जी की प्रतिमा है यहाँ पर, और यहाँ पे भगवान लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये देखिए। यहाँ पे कपिल मुनि जी की प्रतिमा है, यहाँ भी भोले बाबा माता पार्वती और गणेश जी के साथ विराजमान हैं। जय हो प्रभु। इस छोटी सी गुफा में भी जाते हैं। प्रभु का प्रसाद मिल गया है। जय भोले। चलिए अब चलते हैं क्योंकि और भक्त आ रहे हैं। यहाँ पे बजरंग बली, जय बजरंग बली। यहाँ पे माता पार्वती जो है वो अन्नपूर्णा के रूप में है। जय माता। ये देखिए धातु के बने हुए शिवलिंग है यहाँ पर। टपकेश्वर मंदिर के अंदर जाने से पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भैरव जी की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं उनका वाहन श्वान। जय भोले। तो आइए जरा नीचे नदी की जल धारा में भी पैर डाल के इनको थोड़ा सा आराम दिया जाए। आपके पैर में कंकड़ चुभ नहीं जाए इसलिए धीरे धीरे चलें इसके अंदर, और पानी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है लेकिन अच्छा है। ज्यादा ठंडा नहीं है ना मोहित? और इसके ऊपर ये देखिए ये बना हुआ पुल जो आगे वहां मंदिरों तक लेकर जाता है। यहाँ पे है बजरंग बली की विशाल प्रतिमा और ये माता वैष्णो देवी की जो ये गुफा है, और आ गए हम इस पुल के ऊपर। ये देख सकते हैं आप जलधारा वहां से बहती हुई पुल के नीचे से इस तरफ जा रही है। जय माता दी। ये देखिए वहां पे है टपकेश्वर महादेव का मंदिर, ये अश्वत्थामा द्वार, वो गुरु द्रोण द्वार, ये था पुल जिसको पार करके हम यहाँ आए और अब हम वहाँ जाएंगे दर्शन करने। यहाँ पे कपिल मुनि की प्रतिमा है। ये गुफा कहलाती है भवानी शंकर गुफा। इस तरफ जाते हैं। नरसिंह भगवान की प्रतिमा है यहाँ पर। ये रास्ता भी इस तरफ मिल जाता है इसी गुफा के अंदर जहाँ पे भोले बाबा ध्यान मुद्रा में हैं। आ गए हम गुफा के बाहर। चलिए माँ वैष्णो देवी की गुफा में चलते हैं।
भैरव जी की प्रतिमा। तो यहाँ है गणेश जी की प्रतिमा, ये देखिए प्राकृतिक गुफा है ये, और यहाँ शेषनाग की शैया पे विराजमान है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में। यहाँ भी बजरंग बली, और यहाँ पे है राम दरबार प्रभु श्री राम का, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण और राम सेवक वीर बजरंग बली हनुमान जी के साथ। यहाँ पे है नवग्रह, सबके बीज मंत्र जो होते हैं वो भी लिखे हुए हैं। चलिए चलते हैं यहाँ। प्राकृतिक गुफा है ये भी, ध्यान से जाना होगा आपको जैसे कि मैं जा रहा हूं। बैठ बैठ के ही, झुक झुक के ही जाना पड़ रहा है। जय माता दी। प्रसाद ग्रहण करके आ गए हैं हम वैष्णो देवी गुफा के बाहर, और मैं पसीने पसीने हो गया हूँ, लेकिन दर्शन के लिए कष्ट उठाना ही चाहिए। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है। इस स्थान से देखिए आप कैसा दिखता है टपकेश्वर महादेव मंदिर, और इस तरफ से जलधारा जो है वहां से आ रही है। अभी जो प्रवाह कम है बारिश में ज्यादा हो जाता है। यहां माँ काली के दर्शन कीजिए आप। जय माँ काली। काल सर्प दोष निवारण के लिए यहाँ पे होती है पूजा। तो इस तरीके से टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर स्थित सभी मंदिरों के दर्शन हो चुके हैं। अब मैं आपको देता हूँ कुछ खास जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देहरादून आना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग से आप आना चाहते हैं तो आपके लिए निकटतम हवाई अड्डा है देहरादून के पास का, देहरादून का हवाई अड्डा जॉली ग्रांट, वहां पर आपको आना होगा। और रेल मार्ग से भी आना चाहते हैं तो सीधा कनेक्टिविटी दिल्ली से है यहाँ देहरादून की। अगर आपके शहर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप दिल्ली आइए और दिल्ली से फिर आप आ सकते हैं देहरादून। बाकी रोड मार्ग द्वारा भी आप आ सकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए देहरादून, और इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं देहरादून। अब बात आती है रुकने की, तो देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूं कि आपको देहरादून के सेंटर एरिया के अंदर ही रुकना चाहिए। हम लोग जो रुके हैं वो रुके हैं प्रिंस चौक एरिया, जिसे महाराजा अग्रसेन चौक भी कहा जाता है। तो वहां रुकने का फायदा ये होगा कि आपको जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी इजीली मिल जाएगी। जैसे कि हमको बुद्धा टेम्पल जाना था तो प्रिंस चौक से ही हमको 5 नंबर का जो विक्रम होता है वो मिल गया था, और उसमें हम बेताल बन के पहुंच गए थे बुद्धा टेम्पल। बाकी दूसरे स्थान जैसे कि सहस्त्र धारा या फिर गुच्छू पानी, इनके लिए आपको परेड ग्राउंड जो है वहां से बस मिल जाती है। सहस्त्र धारा के लिए जो मिनी बस होती है जो स्टैंडर्ड साइज की, उसके अंदर आप जाते हैं, और गुच्छू पानी के लिए जो छोटी वाली होती है जैसे कि हमारी एम्बुलेंस का जो साइज होता है वैसी जो मिनी बस होती है वो आपको लेके जाती है गुच्छू पानी तक। और यहाँ भी हम जैसे आए थे बस के माध्यम से आए थे, FRI जो है यहाँ का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके गेट के आगे ही हमें बस ने उतार दिया था। FRI से हम लोग ऑटो के माध्यम से पहुंच गए थे टपकेश्वर महादेव। तो इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके हम लोगों ने ये 5 प्लेसेस एक्सप्लोर कर लिए। वैसे आपके सामने ऑप्शन ये भी है कि आप जो 2-व्हीलर होते हैं वो रेंट पे भी ले सकते हैं, और उसके बाद में अगर 2 बंदे हैं या 4 बंदे हैं तो इजीली आप उससे घूम सकते हैं। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करना था, देखना चाहते थे कैसे रहती है यात्रा, और यात्रा है वो इजीली हो गई। वैसे तो आप देहरादून के ये 5 स्थान एक दिन में भी कवर कर सकते हैं फास्ट मोड पे, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं यही कहूंगा कि 2 दिन आप यहाँ बिताइए, उसके अंदर आप ये प्लेसेस अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमारा होटल कैसा है ये मैं आपको होटल पहुंच के दिखाता हूँ। तो देहरादून के प्रिंस चौक पर स्थित है हमारा होटल। कैसा है होटल और कैसा है हमारा रूम जरा वो भी देख लीजिए। वहां जो आप ब्लू और ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं वो है देहरादून का प्रिंस चौक या फिर महाराजा अग्रसेन चौक, और ये देखिए उससे इतनी दूरी पर स्थित है हमारा होटल दून रिजेंसी।
और अब आपको दिखाता हूँ हमारा होटल रूम। ये है होटल का अंदर से लुक और ये है हमारा रूम। तो लगे हाथों आपको रूम के चार्जेस भी बता देता हूं। मोहित मेर से पहले देहरादून आ गया था, मुझे हरिद्वार से बस पकड़ के यहां आने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो मोहित ने यहाँ पे बार्गेन करके अच्छी डील ले ली थी। इसे यहाँ लगभग 1400 बताए गए थे और मोहित ने बाद में इसे कर लिया था हमारे लिए बुक मात्र 900 रुपए के अंदर। तो थोड़ी सी बार्गेन पावर जो है आप अपनी स्ट्रांग रखिए, उसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो हो चुका है हमारा देहरादून दर्शन अभियान पूरा, यानी कि ये ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अब किसी और ब्लॉग में होगी आपसे मुलाकात। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कॉमेंट करके पहुँचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।